तो सुबह हम सब रेडी होकर जा रहे थे द्वारकाधीश मंदिर। तो हम सब यहाँ पर रेडी हो गए हैं। मैंने पहना था सूट। सो हाय गाइस, तो हम लोग अब होटल से चेकआउट करके अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर घूमने। वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं ना। तो हमारे रूम से मंदिर ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था, लेकिन अंदर फ़ोन ले जाना, पर्स, बैग, आप कुछ भी ले जा नहीं सकते थे, कुछ भी अलाउड नहीं था। तो इसीलिए अंदर की मेरे पास कोई से भी ग्लिम्स नहीं है। तो यहीं पर मैंने अपने सारा बैग और फ़ोन वगैरह यहीं पर हमने सब जमा कर दिया था। पर बाहर का मैंने थोड़े से ये ग्लिम्स रिकॉर्ड कर लिए थे अपने फ़ोन में। ये द्वारकाधीश जन्मभूमि का ये मेन गेट है। जन्मभूमि बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। उसके बाद हम निकल गए गोकुल के लिए। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। काम छोटा सीधा बड़ा होता है। तो ये था कृष्ण भगवान का घर, जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। देखो बहुत अच्छा था ये अंदर से भी, लेकिन अंदर यहाँ पर भी फोन अलाउड नहीं था। गाइस हम गोकुल से अब आ गए हैं। तो हमने लिया है दूसरा कमरा, क्योंकि आज रात में हमें स्टे करना है यहाँ पर, क्योंकि अब हम इसके बाद जाएंगे निधिवन और प्रेम मंदिर। तो मैं आपको इस कमरे का रूम टूर कराती हूँ। ये बेड कर्टेंस, ये तो हमारी सामान है। अबे निधिवन बंद कितने बजे होता है? 7 बजे। देखा है तूने कहीं? पता लगा तेरे फ्रेंड के इंतजार में निधिवन से छुट्टी पे है। वैसे तो अपने कल का टाइम है, कल टीवी भी है यहाँ पर, बेड काफी अच्छा है। वैसे टाइम मिला तो आज घूमने, तो हम तो कल के लिए भी रुके हैं। हमें तो 11 बजे चेकआउट करने से 12 बजे। ये वॉशरूम 12 बजे। यहाँ गीजर लगा है एंड यस उसी। कमरा वृंदावन के पास है और इसमें फैसिलिटीज भी अच्छी खासी है। 1500 का पड़ा है, फ्री वाईफाई रहेगा, आप टीवी वगैरह देख लो, और 4 जन अच्छे आराम से इसमें स्टे कर सकते हैं। ये वृंदावन के बिल्कुल पास में है, लेकिन अच्छा गीजर फैसिलिटीज भी अच्छी खासी दे रखी है। लेकिन रूम बहुत अच्छा है और लाइटिंग मेन्यू में भी दे रखा है। ये कालिंदी गेस्ट हाउस करके है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मंगवा सकते हैं अगर मंगवाना चाहे जिसका मन करे। ये कैसी पेटीज है? सुन तो, ये चौमिन वाली पेटीज है। ये स्ट्रीट स्टाइल चौमिन। तो यहाँ पर हम चौमिन खा रहे थे और पेटीज कुछ नए स्टाइल में थी, ठीक ठीक थी खाने में। यानी यहाँ पर हम सब चाउमीन खाते खाते देख रहे थे डोरेमोन। इन लोगों ने डोरेमोन चला रखा था, तभी मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ी और ऊपर से वॉइस ओवर डालना पड़ा। और यहाँ की चाउमीन का टेस्ट दिल्ली की चाउमीन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे खाने में ठीक ठीक लगी। एंड उसके बाद हम चले गए थे प्रेम मंदिर। एंड गाइस प्रेम मंदिर अगर आप लोग को जाना हो ना, तो आप इसे रात में ही एक्सप्लोर करना, देखना, क्योंकि रात में जो इसकी लाइटिंग होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। इतना ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है ना, उसके अंदर जो जो बना रखा है सब कुछ इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है। मतलब आप अगर अंदर जाते हैं ना, तो आपका मन बिल्कुल ही ज़्यादा शांत, इतना आपको पीसफुल सा महसूस होता है ना, बहुत अच्छा है। आप जाओगे ना तो आप लोग रात में ही इसे देखना, क्योंकि रात में इसकी लाइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। दिन में भी लोग जाते हैं, पर रात में प्रेम मंदिर में भीड़ तो ज़्यादा ही होती है। और इसमें आप बहुत मज़े भी आते हैं। अंदर खाने की भी फैसिलिटीज़ है और इसके अंदर आप मोबाइल वगैरह सब ले जा सकते हैं। कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं, तो आप अंदर मोबाइल वगैरह फ़ोन ले जा सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक। मुझे तो ये पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेम मंदिर तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। प्रेम मंदिर एंड स्कॉन टेम्पल दोनों ही बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुली बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग रात में गए थे, तो हम घूम रहे थे एंड ठंड भी थी वहाँ पर, ठीक ठाक थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी, पर दिल्ली से तो कम ही थी ठंड। हम लोग वहाँ पर घूम घूम रहे थे। उसके बाद हम लोग रात में गए थे, हम 10 बजे के बाद हम घर वापस आए थे, अपने होटल में वापस आए थे। घर बोल रही हूँ, हाँ होटल में वापस आए थे, क्योंकि रात में इसकी लाइटिंग देखने में हमें जो लोग मिले थे, उन लोगों ने भी यही बोलता कि रात में अगर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग गए थे एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर जाके।
इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी थोड़े थोड़े ग्लिम्स शेयर कर दिए हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति और गाय वगैरह ये सब बना रखा था, बहुत ज़्यादा ही बहुत ब्यूटीफुली से इसे इनोग्रेट करा गया था, बनाया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद एंड यहाँ पर भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है, ये भी कितना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ पर अलग अलग तरीके की आकृतियाँ दिखाई गई थी शादी करते हुए। गाइस हम प्रेम मंदिर से वापस अपने रूम पर आ गए हैं और प्रेम मंदिर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा जो जो वहाँ पर बनाया गया है ना भगवान की प्रतिमा माए मूर्तियाँ जो भी दिखाया गया गोवर्धन पर्वत को भगवान को उठाए हुए एक उंगली पर, तो ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ की लाइटनिंग बहुत ज़्यादा ही मतलब मज़ा आ जाता है वहाँ जाके, अगर आपको जाना हो ना तो आप ज़रूर जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़े भी आते हैं। तो हम अभी भी आए हैं, अभी अभी हमने डिनर करा है और बिल्कुल भी यहाँ का जो भी आस पास इतना महंगा है एक तो खाना और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब बस हम टीवी अभी हमने ऑन कर रखी है, वाईफाई क्योंकि इस रूम में है तो अब थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चलाएंगे एंड उसके हम सो जाएंगे। एंड कल हम वापस अपने घर जा रहे हैं, तो कल हम शायद निधिवन जाएंगे एंड उसके बाद इस्कॉन टेंपल, उसके बाद हम ट्रेन ले लेंगे अपने घर के लिए जो कि 1.5 घंटे की होती है, लेकिन आजकल सर्दी की वजह से ना ट्रेन लेट हो जाती है तो 4-4, 5-5 घंटे ज़्यादा ही देर में पहुंचाती है, क्योंकि अभी जब हम आए थे तो हमारी ट्रेन 5:40 की थी लेकिन वो चली 10 बजे थी और हमें पहुंचाया उसने मथुरा जो कि दिल्ली से ले 1.5 घंटे का रास्ता है, वो 1.5 घंटे का है, वो उसने हमें पहुंचाया था 3:30 बजे रात को। तो फॉग की वजह से ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलो आप मिलते हैं आपको कल सुबह, तो गुड नाइट।